हेलो दोस्तों, आज नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हमने कुर्ती के ऊपर पैच किया है। ये जो मैं वर्क पैच कर रहा हूँ, ये मैंने मार्केट से ख़रीदा है, ठीक है ना। अब मैं अपनी जिस ड्रेस के ऊपर बनाना है उसको पैच कर रहा हूँ, उसके बाद कटिंग करके इसको निकाल लूँगा और मेरा जो वर्क होगा, जो मैंने पैच किया होगा, वो उसके ऊपर आ जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और हैंडवर्क घर बैठे बैठे सीख सकें। दोस्तों, ये आसान तरीका होता है, मार्केट से कपड़ा खरीदो हैंडवर्क का और उसको प्लेन कपड़े को पैच कर दो। पैच करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ मड़कन से कटिंग करके निकालना पड़ता है। और दोस्तों, मड़कन करने का यही तरीका जो मैं कर रहा हूँ, सबसे पहले हमें कपड़े को जमा लेना है। जमाने के लिए हमें दो लोगों से, अगर कोई नहीं है तो हमारे साथ पकड़वा लो, पकड़वा नहीं सकते तो हमें पिन लेनी है, पिन, ठीक है ना, सेफ्टी पिन जो आती है। पिन लेकर इसको पहले उसके ऊपर जमा लो कपड़े के ऊपर, उसके बाद इसके ऊपर चैन स्टिच करो। चैन स्टिच करने के बाद इस पर मड़कन कर दो। मड़कन करने के बाद कटिंग करनी है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। पर दोस्तों, हमें मड़कन करते हुए एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें टाको को आगे पीछे बाहर नीचे ऊपर इस तरीके से नहीं करना, मतलब सिमिलर होना चाहिए, सिमिलरिटी जैसे जिस तरीके से मेरी हो रही है, ठीक है ना। इससे ये होता है, हमें कटिंग करने में बहुत आसानी हो जाती है और बहुत आराम से हम कपड़े को काट लेते हैं, जिससे हमारा वर्क भी ख़राब नहीं होता और हमारा कपड़ा भी ख़राब नहीं होता। दोस्तों, देखिए हमारा पीस रेडी हो चुका है, हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई, हमारा पीस जम गया, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल जुनैर अज़हरी।